हाय दिस इज विजया एंड वेलकम टू विजया रेसिपीज। आज हम बनाएंगे चिल्ली गार्लिक पराठा, और या आप इसे कह सकते हैं गार्लिक लच्छा पराठा। पराठे को बनाते समय थोड़ा आप इसे ध्यान से बेलेंगे तो बहुत अच्छे लेयर्स आते हैं और बच्चे इसे खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए बनाते हैं चिल्ली गार्लिक पराठा या गार्लिक लच्छा पराठा। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको हमारे नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिल्ली गार्लिक पराठा या गार्लिक लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने लिया है ये 2 कप गेहूं का आटा या वीट फ्लोर, ये पानी, ऑयल, 3 टेबलस्पून बटर, 10 to 15 गार्लिक पॉड्स, 1 कप कोरिएंडर फाइनली चॉप्ड, 1/4 कप मिंट लीव्स फाइनली चॉप्ड, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स या आप ओरिगैनो भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर या जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, ये ऑप्शनल है। तो चलिए बनाते हैं चिल्ली गार्लिक पराठा या गार्लिक लच्छा पराठा। हम पहले आटा गूंदेंगे, इसमें डालेंगे ये नमक, और ये 2 टीस्पून ऑयल, मिक्स कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट आटा गूंदेंगे, जैसे रोटी या चपाती में बनाते हैं इसे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, इसे गूंद देंगे। हमने ये सॉफ्ट आटा गूंद लिया है, इसे हम कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हम ये गार्लिक को क्रश कर लेंगे। हमने गार्लिक क्रश कर लिया है। पराठे में स्टफिंग के लिए हम एक मिक्सचर बनाएंगे। बाउल में डालेंगे ये बटर, इसमें डालेंगे ये क्रश्ड गार्लिक, इसमें डालेंगे ये सॉल्ट, इसमें डालेंगे ये जीरा पाउडर या क्यूमिन पाउडर, ये चाट मसाला, ये मिक्स्ड हर्ब्स, और ये रेड चिली फ्लेक्स। मिक्स कर देते हैं। हमारा ये स्टफिंग वाला बटर मिक्सचर तैयार है। अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा ये डो सेट होके तैयार है। अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। इसे हम और एक बार गूंद लेंगे। और इसके बॉल्स बना लेंगे।
हम इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और रोटी बेलेंगे इसको। हमने ये रोटी बेल लिया है, अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे, ये बटर मिक्सचर। इसे हम स्प्रेड कर लेंगे। इसमें डालेंगे ये हरा धनिया या कोरिएंडर। ये मिंट लीव्स। इसे हम हाथ से प्रेस कर लेंगे। लेयर्स के लिए हम इसे फोल्ड करेंगे। इसे उठा के आगे ले जा करके इसे फिर वापस ले जा करके फोल्ड करेंगे। इसमें हमें सूखा आटा डालेंगे। यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये फिंगर रखेंगे और इसे राउंड राउंड घुमाएंगे। हम इसे फिर पराठे में बेल लेंगे। पहले से सूखे आटे से डस्ट करेंगे। इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। हमने ये पराठा बेल लिया है, अब हम इसे सेकेंगे। हमने पैन गरम कर लिया है। पैन में डालेंगे ये 1 टीस्पून ऑयल। इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल डालेंगे। ऐसे फ्लिप करेंगे। इसे दूसरी तरफ भी फ्लिप करेंगे। इसे इस तरफ भी ऑयल लगाएंगे। इस तरह से ये लेयर्स खुलते हैं। हमारा ये पराठा तैयार है, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे।
हमारा ये चिली गार्लिक पराठा या गार्लिक लच्छा पराठा तैयार है। हमने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप और ग्रीन चिली सॉस के साथ।